कि जो ये गणतंत्र दिवस है इसकी जो शुरुआत मनाने की जब की गई थी तब उसका उद्देश्य ये रहा कि हमारा देश स्वतंत्रता के बाद किस अवस्था और किस परिस्थिति और किस दिशा में जा रहा है जी, उसको दर्शाने का, प्रदर्शित करने का, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस यानी गण यानी लोक, तंत्र उनके द्वारा बनाया हुआ, दिवस मतलब दिन, यानी हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में क्या क्या उन्नति करी और पिछले साल से अगले साल हम लोग कहाँ पहुंचे और अब तक हमारी दिशा कैसी रही, उसको दिखाने का प्रयास इस राजपथ पर किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष अधिक रहता है, और सैन्य पक्ष तो होता ही है क्योंकि सेना के द्वारा ये सारी चीज, इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके अंदर हम लोग किसी एक पक्षीय होकर के इसको नहीं देख सकते, और राजनीतिक पक्ष तो आज ज्यादा है ही, आप देख रहे हैं 10 देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हैं जो यहाँ पर आ रहे, और उनको ये दिखाना कि भारत इस पूरे महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में एक अपना स्थान रखता है और यहाँ तक वो पहुंचा है, इन इन क्षेत्रों में उसकी ये प्रगति हुई है, इन सबका दर्शन और प्रदर्शन आज हम लोग देखेंगे और देखने हम लोग जा रहे हैं, और यही आज का महत्व भी है। देशवासियों के लिए कितना बड़ा संदेश है, भारत कितनी तरक्की कर रहा है, जाहिर तौर पर ये जानना सभी का अधिकार है। देखिए, देशवासियों के लिए तो ये महत्व इसलिए है कि कई चीजें इतनी गोपनीय होती हैं जिनकी सूचनाएं हम तो एक आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने कोई प्रेक्षापास्त्र तैयार किए, हमने गोला बारूद तैयार किए, हमने टैंक तैयार किए, हमने जहाज तैयार किए, उनके बारे में हम सुन लेते हैं, उनको हम लोग देख नहीं पाते। आज कुछ अवसर हमको ऐसा मिलता है कि उनमें से कुछ चीजों को हम लोग अपनी सड़कों पे चलता हुआ देखते हैं, एक आम आदमी के लिए होता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो वो जो गौरव का अनुभव करता है, गौरवान्वित जो वो होता है कि हाँ, मेरे जो मैं कर दे रहा हूँ, जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, या जो मुझे महंगाई नजर आती है उसका कारण क्या रहा होगा, अगर वो थोड़ा सा चिंतन करे तो उसका भी निष्कर्ष आज के दिन निकलकर हमारे सामने आता है। ये चीजें देखिए इतनी आसान नहीं होती, घर में एक छोटी सी शादी भी की जाए तो लाखों के खर्चे हो जाते हैं, और ये तो देश का गणतंत्र है, और एक चीज अगर बनाने में कई करोड़ों का खर्चा आता है और वो पैसा किसी पेड़ पे नहीं लगता, वो हमारी जेब से जाता है, तो आम जनता का महत्व कि मैं जो दे रहा हूं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सही दिशा में लग रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखने का आज का दिवस होता है। खास बात ये भी रहती है सर कि जो सेना का पराक्रम होता है जाहिर तौर पर वो थोड़ा सा अछूता हो जाता है। मैं सेना के पराक्रम में तो अभी आ ही नहीं रहा, वो तो एक बिल्कुल अलग इशू है। मैं एक आम जनता, मान लो हमारे घर की एक माँ, एक 70-75-80 साल की एक वृद्धावस्था के अंदर वो देखती है, वो क्या उसके अंदर देखेगी, तो उसके अंदर उसको कई चीजें नजर आती है। जब झांकियां निकलती है तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य नजर आता है, बच्चे नजर आते हैं तो अपने बच्चों को वो उसके अंदर देख सकती है, सेना के जब जवानों को वो देखती है तो वो सुरक्षित अनुभव करती है कि नहीं, अगर मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ तो मेरे सीमा प्रहरी जो हैं वो मेरी रक्षा के अंदर लगे हुए हैं, और वो ये मेरे पास, यानी हर नजर का एक अपना नजरिया है, बच्चे एक अलग दृष्टि से देखे, जाहिर तौर पर हर परिप्रेक्ष्य में देखे।